सीएम योगी ने प्रयागराज को न्याय की धरती बताया और कहा कि यहां का हाईकोर्ट अधिवक्ताओं का कुंभ है। प्रयागराज से धर्म और आध्यात्म की प्रेरणा मिलती है। जब कोई पीड़ित या प्रताड़ित होता है तो हाईकोर्ट व प्रयागराज की तरफ देखता है। हाईकोर्ट बार की स्थापना के 150 साल आजादी के अमृत महोत्सव पर होना इसके गौरव को और बढ़ाता है। देश की आजादी में भी वकीलों और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में अब मुकदमों का निस्तारण तेजी से हो रहा है। 150 सालों में क्या पाया क्या खोया, इस पर चिंतन होना चाहिए। G20 देशों में भारत का शामिल होना गौरव की बात है। यूपी में 4 शहरों में G20 के 11 समिट होंगे, इससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। सत्य एक ही होता है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि न्याय सबको मिले, सस्ता मिले और सबको सुलभ हो। लोक अदालतों में आधे मामले यूपी के ही निपटते हैं। न्याय के क्षेत्र में जो कुछ कर रहे हैं वह प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए होते हैं। शासन न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है। मल्टीलेवल पार्किंग व चैम्बर के लिए सरकार ने पूरा बजट रिलीज कर दिया है। प्रयागराज में जल्द ही ला यूनिवर्सिटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगी। जमीन उपलब्ध होते ही रकम अवमुक्त हो जाएगी। वकीलों की मृत्यु पर जो रकम 60 साल की उम्र तक मिलती थी उसे बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि भी बढ़ा दी गई है। सरकार वकीलों के हित में तमाम कदम उठा रही है। जिन जिलों में कोर्ट नहीं है वहां इंटीग्रेटेड कोर्ट बनेंगी। जिला अदालतों में भी वकीलों के चैम्बर बनाए जाएंगे। जहां जमीन मिलेगी वहां चैम्बर बनाया जाएगा। लोग वकीलों पर परिवार से ज्यादा भरोसा करते हैं। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए वकीलों के चैम्बर जरूरी है। लखनऊ, प्रयागराज, श्रावस्ती समेत कई जिलों में चैम्बर बनाए जाने के काम शुरू हो गए हैं। 150 साल पूरे होने पर बार से जुड़े सभी वकीलों को बधाई देता हूं। न्यायपालिका व कार्यपालिका को मिलकर सभी को सस्ता न्याय दिलाने के बारे में कोशिश करनी होगी। मैंने कहा कि देखिए, अधिवक्ता तो दोस्तों को पानी पिलाता है और आज वो मांग रहे हैं तब भी पानी पी रहे हैं। अरे तो उनका अधिकार है, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनको मांगना भी चाहिए, क्योंकि अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। न्यायपालिका के लिए या बार के लिए जो कुछ भी मांगेंगे वह प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। हम भी बार बार जब मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की बैठक होती है तो न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होती है, न्यायपालिका से संबंधित उन मुद्दों को लेकर के होती है जो प्रदेश को सही और सस्ता न्याय देने के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की तमन्ना सबकी है। शासन की भी वही मंशा है और राज्य की भी, शासन की भी वही मंशा है, न्यायपालिका की भी वही मंशा है, और बाहर जब उसके साथ जुड़ जाता है तो उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यहां पर माननीय न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति जी ने यहां पर अधिवक्ता चैंबर की भी जो बात कही है, हम मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था यहां पर करने जा रहे हैं और इसके लिए पूरी धनराशि राज्य शासन ने उपलब्ध करवा दी है, और मेरा मानना है कि इसका पूर्ण होते ही बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं के चैंबर्स वहां पर बन पाएंगे। 2500 एडवोकेट चैंबर बनाने, 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था वहां पर हो पाएगी, और उसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई अन्य समस्या वहां पर आनी चाहिए। राज्य शासन ने यहां पर पहले ही एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अपनी सहमति दे दी है, हम उसके लिए धनराशि पूरा देना चाहते हैं। जमीन के बारे में कोई सहमति बन सकती है तो हम उसके लिए भी पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रयागराज न्याय की धरती है, शिक्षा की धरती है,
और एक अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज की धरती पर होनी ही चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर वह होनी चाहिए। तो जो ये शो करता है कि कितनी हम्बलनेस, और शायद ये धरती ऐसी है कि यहाँ पे कोई किसी का मूड लड़ने का कम होता है। ऐसे कई दफा गुस्सा मेरे को भी आता है, मैं भी कह देता हूँ कोई चीज, बट वो एक रूटीन की एक इन सेंस के केस से रिलेटेड सारी चीजें, और कोई किसी के मन में कोई ऐसी चीज नहीं होती। बाकी हमारी ड्यूटी भी बहुत है एज एडवोकेट, जो एक देश के लिए सेवा है या सेल्फलेस सर्विस के साथ, वो ड्यूटी है हमारे लिटिगेंट की तरफ। क्योंकि हमने जो पीछे से हिस्ट्री देख रहे हैं, तो हम उस हिस्ट्री के ऊपर बैठ के काम नहीं चलेगा कि हमारी पास्ट बहुत अच्छा था। हमारे को ये देखना पड़ेगा कि उस पास्ट को हम फ्यूचर में और आगे कैसे लेके जाएं। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। गाइडेंस हमारे को पास्ट से मिलेगी, बट आगे कैसे लेके जाएंगे और ऊंचे शिखर पे कैसे लेके जाएंगे उसको, आई थिंक वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अब हमारा टाइम जैसे आगे चल रहा है, यंगर जनरेशन जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उनको इस बार को जो 150 साल से है, जैसे ओझा जी ने बताया, शांति भूषण जी हमारे शायद एल्डेस्ट लिविंग मेंबर ऑफ द बार थे, और मेरे को भी सौभाग्य उनके साथ काम करने का मिला कुछ केसों में।